जीतन राम मांझी की पार्टी को उनके परिवार द्वारा हमारी अपनी पार्टी हम कहा जा रहा है। एमपी बनने के बाद मांझी विधायक इमामगंज पद से इस्तीफा देंगे। मांझी का परिवार इमामगंज को अपने बाप की सीट मानकर परिवार की सीट मान रहा है, परंतु परिवार में एकजुटता नहीं है और तीन लोग रेस में हैं। इमामगंज सीट से हम के उम्मीदवार बनने का दावा जीतन राम मांझी की पुत्रवधु दीपा संतोष कर रही हैं। ये संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं। संतोष सुमन खुद बिहार के दलित आदिवासी कल्याण मंत्री हैं। परिवारवाद सर चढ़कर बोल रहा है। मांझी के दामाद और दूसरे पुत्र भी दावेदार हैं। दीपा संतोष की मां ज्योति मांझी बाराचट्टी से हम विधायक हैं। दीपा के पति और संतोष सुमन मांझी के पहले पुत्र हैं। दीपा के माँ पिता गया जिले के एनजीओ का संचालन करते थे। दीपा की पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण की वजह से मांझी परिवार में बड़े बेटे के लिए दीपा को चुना गया। संतोष और दीपा के विवाह के बाद ही सन 2010 में जीतन राम मांझी ने अपनी समधन ज्योति मांझी को बाराचट्टी से अपने खाली किए गए सीट पर जेडीयू उम्मीदवार बनवाया था। प्रेक्षक मानते हैं कि इमामगंज के खाली होने वाले सीट पर परिवार के सदस्यों के दावे में जीतन राम मांझी के छोटे पुत्र प्रवीण भी पिछड़ सकते हैं। हालांकि दूसरे लोग प्रवीण का दावा प्रबल मानते हैं। इसकी एक वजह है कि पुत्रवधू राजनीतिक समझ रखने वाली समझी जाती हैं। वे सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं। विवाह के पहले दीपा पब्लिक डोमेन में भी देखी जाती थी। दीपा संतोष विवाह के पहले मोटरसाइकिल चलाया करती थीं। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां एनजीओ का एक परिवेश था। इमामगंज सीट या जहां से भी क्रमशः बाराचट्टी मखदमपुर इमामगंज से प्रतिनिधित्व करते हुए जीतन राम मांझी ने कभी भी अपने काम की विशेष छाप नहीं छोड़ी। जीतन राम मांझी शासन चलाने या प्रशासनिक क्षमता में कार्य सक्षम की जगह कार्य अक्षम नेता माने जाते हैं। बाराचट्टी के विधायक 2005-2010 रहते उनके क्षेत्र के वनों में लोगों ने वनाधिकार कानून के तहत दावा किया था। उस समय से कल्याण मंत्री रहते थे। संयोग ये भी हुआ कि जीतन राम मांझी SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री थे और यही विभाग बिहार में वनाधिकार कानून के लिए नोडल एजेंसी है। उल्लेखनीय है कि जैसे ही मांझी को पता चला कि उनके विधानसभा क्षेत्र बाराचट्टी और मोहनपुर में वनाधिकार के दावेदारों को उनकी उदासीनता से शिकायत है, 2010 के चुनाव में उन्होंने क्षेत्र बदल दिया। वे मखदमपुर में उम्मीदवार होकर असेंबली में आए। गया जिला के कई सीट SC आरक्षित हैं। इन पर मांझी परिवार की दावेदारी से हम नाम अनौपचारिक तरीके के ढांचे में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों में असंतोष का होना स्वाभाविक है। इस तरह ये एक नया परिवारवादी पार्टी बिहार में अपने आधार फैला रहा है। ये NDA के साथ है।